अंकल की जो घटना घटी है त्रिकुट देवघर में, आप सब कोई जानते हैं कि रोपवे के टूटने के कारण एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके कारण पूरा देश नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश आज चिंतित है। एक दुखद घटना है, ये एक आपदा है, लेकिन राज्य की सरकार की कलई खोलने वाला ये। कल घटना घटी, 100 लोग इसमें फंसे, मुझे जो जानकारी मिली कि 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन राज्य सरकार जिसके जिस विभाग के जिस मंत्रालय के अंतर्गत चलता है उसके मंत्री बगल के मधुपुर के विधायक है हाजीपुर साहब का नाम, कला एवं संस्कृति के माध्यम से वहां का संचालन होता है, और जो चलाने वाला व्यक्ति है, जो परिचालन करने वाला व्यक्ति है, उसको कोई ट्रेनिंग देने का इन्होंने कहा नहीं। 2 साल तक मेंटेनेंस की भी चिंता नहीं की गई, और घटना घटती है तो राज्य सरकार पूरी तरह से मुखदर्शक बनकर के खड़ी हुई है। राज्य के सरकार के अंतर्गत आपदा प्रबंधन विभाग है, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी घटना घटी है, राज्य सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री 24 घंटा तक नदारत रहे, उनके वरिष्ठ नौकर साहब नदारत रहे, मैं शुक्र मनाता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने NDRF भेजने का काम किया, ITBP जो आप सब कोई जानते हैं कि ITBP का जो सैनिक होता है वह पर्वत पर चढ़ने का उसको विशेष योग्यता होता है, भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता लेते हुए संज्ञान लिया और अविलंब वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से और NDRF की टीम को सक्रिय करते हुए IDPP को लगाने के बाद आज बड़ा एक राहत का काम चल रहा है, लेकिन राज्य की सरकार की आपदा प्रबंधन कहां चली गई। और दुखद इस विषय को लेकर के है कि घटनाएं घटती है तो राज्य सरकार की आत्मा झकझोरती क्यों है, आत्मा विहीन सरकार, दृष्टि विहीन सरकार और संवेदनहीन सरकार अगर कोई इस देश के अंदर है तो हेमंत सोरेन जी की सरकार। इतनी बड़ी घटना घटी, संथाल परगना को जो जागीर समझते हैं, उस धरती को नमन करके वोट लेने का काम करते हैं कि हैं, और संथाल परगना में इतनी बड़ी घटना घटती है लेकिन मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। 24 घंटे के बाद उनके मंत्री राजनीति की यात्रा कर रहे, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने सांसद निशिकांत जी और भारतीय जनता पार्टी के वहां विधायक और कार्यकर्ता, देवघर के विधायक, वहां के स्थानीय सांसद निशिकांत जी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उस आपदा को अपनी आपदा समझते हुए वहां पर सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य की सरकार और इस मधुपुर के विधायक, उस विभाग के मंत्री में थोड़ी भी नैतिकता नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए राज्य की सरकार को पूरे देश से क्षमा मांगना चाहिए, पूरे देश की जनता से क्षमा मांगना चाहिए और आपदा प्रबंधन में फेल होने का अफसोस जाहिर करना चाहिए। एक बहुत बड़ी घटना है, हम सब लोग इस घटना से बहुत ही झकझोर दिया हम सब लोगों कि इस राज्य में अगर भगवान न करे कोई आपदा आए, अगर आपदा आएगी तो राज्य सरकार में यदि ये सरकार रहेगी तो जनता कराहने लगेगी, जनता कराहते हुए अपने आप को अकेला महसूस करेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।